नमस्कार, मैं प्रिया। जो 27 मार्च सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की सुर्खियों की ओर। बिहार में जल्द ही खुलेंगे 700 नए आयुष वेलनेस सेंटर। कॉपी किताबों की कीमत 15% तक बढ़ी। गवाहों की सुरक्षा अब करेगी नीतीश सरकार। बिहार में स्पेशल एजुकेशन डिग्री वाले अभ्यर्थी अब नहीं बन पाएंगे प्रधान शिक्षक। बिहार में 1,00,000 पुलिसकर्मियों की होगी बहाली। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जल्द ही खुलेंगे 700 नए आयुष वेलनेस सेंटर। बिहार में जल्द ही आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति की तरफ से लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए बिहार में 700 नए आयुष हेल्थ सेंटर वेलनेस खोलने की तैयारी हो रही है। वर्तमान समय में राज्य में कुल मिलाकर 40 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मौजूद है। आयुष मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में 11,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण होना है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अहम जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन से राज्य में मरीजों को आयुष चिकित्सा पद्धति के इलाज की सुविधा बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी। राज्य आयुष निदेशालय के सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नई नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। बिहार में 1,00,000 पुलिसकर्मियों की होगी बहाली। बिहार में अब सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा टाइट होने वाली है, क्योंकि जल्द ही बिहार में 1,00,000 पुलिसकर्मियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर चैंबर उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन ने बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि पुलिस के आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है, बहुत जल्द परिवर्तन नजर आएगा, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बिहार की कानून व्यवस्था आने वाले समय में बेहद ही सुदृढ़ होने वाली है। 7 साल के नली नाक्ष ने US किड्स गोल्फ चैंपियनशिप में बनाई जगह। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसी बीच बिहार के एक और प्रतिभा ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत ही बिहार के पूर्णिया से आने वाले 7 वर्षीय नली नाक्ष ने भारत में अपना मान तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ 7 समंदर पार अमेरिका और यूरोप तक हो रही उनकी चर्चा है, क्योंकि बिहार के 7 साल के नली नाक्ष का चयन US किड्स गोल्फ चैंपियनशिप में हुआ है। 7 मई को टेक्सास किड्स गोल्फ चैंपियनशिप के लिए भी नली नाक्ष ने बाजी मारी है। इस दोहरी कामयाबी पर खुशी भी दोगुनी हो गई है। बचपन पर भारी नन्हे नली नाक्ष ने अपनी गोल्फ से ऐसा निशाना साधा है कि बॉल सीधे गोल्फ पोस्ट हुई है और नली नाक्ष का सिलेक्शन सीधे US गोल्फ चैंपियनशिप में हो गया। लद्दाख पुलिस ने निकाली रिक्तियां। लद्दाख पुलिस ने अनुयायी कार्यकारी के कुल मिलाकर 80 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें नलसाजी, बढ़ईगिरी, खाना पकाने, इलेक्ट्रीशियन, चुनाई, मोची, नाई, धोबी, हाउसकीपिंग, स्वीपर है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में 1 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.police.ladakh.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री की। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक और आलोचक थे। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पहले भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारा था। वो छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वो थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के गया जिले के मैगरा गांव में हुआ था। रेलवे के 3,00,000 खाली सीटों पर उठे सवाल। कुछ समय पहले ही बिहार में रेलवे बहाली को लेकर जो बवाल देखने को मिला था, वहीं अब एक बार फिर से रेलवे के लगभग 3,00,000 खाली सीटों को लेकर बवाल शुरू हो गया है। हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी रेलवे में नई बहालियों को लेकर नई जानकारी साझा की है, जहां पर ही उन्होंने खाली पदों को लेकर सभी जोनल कार्यालय की पोल खोल दी है। इस दौरान ही सुशील मोदी ने बताया है कि फिलहाल रेलवे में 3,00,000 से अधिक पोस्ट खाली है, जिन पर सालों से नियुक्ति नहीं की गई है। ज्ञात हो, सुशील मोदी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार रेलवे के अलग अलग जोन को मिलाकर 3,00,000 से अधिक पद रिक्त हैं। सबसे अधिक रिक्त पदों की संख्या उत्तर रेलवे में 37,433 है।
झारखंड के दुमका से जल्द ही शुरू होगी बिहार के लिए विमान सेवा। विमान से सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए खुशखबरी, जल्द ही दुमका से बिहार के लिए विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिसकी जानकारी हाल ही में विधानसभा में झारखंड सरकार की तरफ से साझा की गई है। इसको लेकर ही दुमका के विधायक बसंत सोरेन द्वारा इस संबंध में विधानसभा में लाए गए गैर सरकारी संकल्प की सूचना और झारखंड सरकार ने जवाब दिया है कि रांची, पटना और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एयरलाइन से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। योजना के अनुसार एरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त होने और केंद्र सरकार द्वारा योग्य एयरलाइंस के चयन के बाद दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी के पास केसरिया में स्थित है यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने खुदाई के बाद साल 1998 में इस स्तूप की खोज की। इतिहासकारों का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय लोग इस स्तूप को राजा बेन के रजा के रूप में जानते थे, जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने से पहले वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बनाया गया था। ह्वेन सोंग, जो कि चीनी यात्री था, उसकी डायरी के अनुसार उसने भी स्थल का दौरा किया था। कॉपी किताबों की कीमत 15% तक बढ़ी। आजकल पढ़ाई लिखाई का खर्च वैसे ही आसमान छू रहा है। लगातार प्राइवेट स्कूल की तरफ से बढ़ाई जा रही फीस से अभिभावकों की परेशानी तो बढ़ी हुई है। इसी बीच अब अभिभावकों की जेब पर स्कूल की तरफ से एक और प्रहार किया गया। राजधानी पटना के लगभग सभी स्कूलों में नए सत्र में किताब कॉपियों के मूल्य में 10-15% का इजाफा हुआ है। शहर के बड़े स्कूलों की लिस्ट में शुमार होने वाले स्कूलों में 1-8 कक्षा तक की किताब कॉपियों के सेट की कीमत 9,000-11,000 रुपए तक है। स्कूलों की वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ ही अभिभावकों को नए सत्र की बुक लिस्ट भी दे दी गई है। ज्ञात हो शहर के अधिकतर स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। ई केवाईसी नहीं होने पर लाभ से वंचित हो जाएंगे किसान, जल्दी करवा ले काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभुकों को नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन यानी ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है, लेकिन अब तक कई किसानों ने अपना ई केवाईसी करवाया ही नहीं है, जिसके लिए 31 मार्च की आखिरी तारीख निर्धारित है। तय समय के भीतर ई केवाईसी नहीं करवाने वाले लाभुकों को अगली किश्त की राशि नहीं दी जाएगी। सुविधा केंद्र पर किसान बायोमेट्रिक डिवाइस से भी केवाईसी करवा सकते हैं। सभी किसानों को सरकार द्वारा तय समय में केवाईसी कराना है, नहीं तो अगली किश्त रुक सकती है। किसानों को समय पर केवाईसी कराने के लिए किसान सलाहकारों के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है, ताकि सभी योग्य किसानों को इसका लाभ मिल सके। बिहार में भूमि विवाद से जुड़े 3 लाख मामले लंबित। बिहार और जमीन विवाद, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद आपको लगभग हर घर में मिल जाएंगे। वहीं अब हाल ही में देश भर से जुड़े जमीन विवाद के आंकड़ों को पेश किया गया है। निगरानी करने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल जस्टिस ग्रिड डेटा ने पूरी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को भेजी है, जिसके तहत ही जहां देश भर में कुल मिलाकर 57.15 लाख, जबकि बिहार 3.04 लाख मामले लंबित है, बिहार की 37 अदालतों में 75.85% लंबित मुकदमे सिर्फ भूमि विवाद से जुड़े हुए हैं। इनमें पटना से सर्वाधिक और शिवहर में सबसे कम मामले हैं। कोसी और पूर्वी बिहार में भागलपुर शीर्ष पर है। भागलपुर टॉप 10 में 9वें स्थान पर है। बिहार में स्पेशल एजुकेशन डिग्री वाले अभ्यर्थी अब नहीं बन पाएंगे प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बीपीएससी द्वारा कुल 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में बीएड स्पेशल एजुकेशन और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री को अनिवार्य प्रशैक्षणिक योग्यता की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं 14-15 वर्षों से अधिक समय में कार्यरत है, जो बीएड स्पेशल एजुकेशन और डीएलएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी है। ऐसे सभी शिक्षक बीपीएससी द्वारा विज्ञापित प्रधान शिक्षक नियुक्ति वाला फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे, जिससे कि अब एक तो बात तय है कि शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा एनसीटीई के दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने से राज्य के बीएड स्पेशल एजुकेशन और डीएलएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षक प्राथमिक स्कूल के प्रधान शिक्षक नहीं बन पाएंगे। 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी 800 दवाओं की कीमत। आने वाला महीना आम आदमी को महंगाई का एक और करारा झटका देने वाला है। पहले ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी कीमत से परेशान लोगों को अब दवाई भी ज्यादा दाम में मिलने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 1 अप्रैल से पैरासिटामोल सहित 800 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। खबर के अनुसार दवाओं की कीमत में 10.7% की बढ़ोतरी होने वाली है। जिन दवाओं की कीमत बढ़ने वाली है, इसमें पैरासिटामोल, फिनाइटोइन सोडियम एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोलोक्सैक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड समेत अन्य दवाएं इसमें शामिल हैं।
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का पूरा हुआ मूल्यांकन। बिहार बोर्ड जल्द ही मैट्रिक के रिजल्ट को जारी करने वाली है, क्योंकि कॉपी जांच का काम बीते दिन पूरा हो गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। यानी कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राएं बोर्ड की वेबसाइट bihar.online.bihar.gov.in और bihar.online.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने 30 मार्च तक मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 16 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। बिहार में भीषण गर्मी ने दी दस्तक। बिहार में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। मार्च के ही महीने में पारा बिहार के 40 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार में अगले 5 दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। दिन का तापमान 38 डिग्री पहुंचे उसके बाद रात का तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की तरफ से शुक्रवार को पूर्वानुमान जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि अगले 5 दिनों में आसमान साफ और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में पानी आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन में लीकेज की समस्या भी बढ़ गई है। गवाहों की सुरक्षा अब करेगी नीतीश सरकार। बिहार में कानूनी पचड़े में फंसे गवाहों की सुरक्षा अब खुद ही नीतीश सरकार करने वाली है। ऐसे में अब संवेदनशील आपराधिक मामले, जिसमें खासतौर पर महिलाएं और बच्चे पीड़ित हो, उन मामलों में गवाही के लिए कोर्ट में विशेष व्यवस्था होने वाली है। ऐसे मामलों में ही अब गवाहों का अभियुक्तों से अब आमना सामना नहीं होगा। गवाही के दौरान राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि बगैर अभियुक्त के सामने आए ही गवाही की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके लिए सभी जिलों में गवाहों के लिए एक विशेष सुरक्षा परिसर बनाया जाएगा, जहां से ही गवाह अपनी गवाही दर्ज करा सकेंगे। गृह विभाग के वित्तीय वर्ष 2022-23 के 14,37,275.79 लाख के बजट पर चर्चा के बाद प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा की है। इस बार पटना में नहीं दिखेगा वायु प्रदूषण। अब पटना की आबोहवा साफ होने वाली है, यानी कि पटना वासियों को अब प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पटना नगर निगम ने साल 2022-23 के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष 1740.83,03,640 रुपए का बजट पारित किया है। बजट में 48 करोड़ रुपए का अनुमानित मुनाफा दिखाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार के बजट का आकार भी बढ़ाया गया है। पिछले साल नगर निगम ने 1528 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। इस बार के बजट की खास बात यह है कि वायु प्रदूषण से निपटने को 213 रुपए का प्रावधान है। इस बार के बजट में नगर निगम पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने पर फोकस करेगा। इसके लिए इस पर विभिन्न मदों से मिलने वाली राशि का सदुपयोग भी किया जाएगा। लालू परिवार के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश पर बनेगी फिल्म। बीते कुछ समय से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर बनाई गई फिल्मों की चर्चा बिहार में हो रही थी। हालांकि राबड़ी देवी को लेकर बनाई गई फिल्म कोई खास करिश्मा तो नहीं कर पाई और लालू यादव की फिल्म भी लोगों के लिए जल्द ही आने वाली है, लेकिन अब इसी बीच सीएम नीतीश के जीवनी पर फिल्मों को लेकर चर्चा होने लगी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार केशव मूवीज एंटरटेनमेंट सीएम नीतीश कुमार पर फिल्म सुशासन द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा बनाएंगे, जिसकी जानकारी फिल्म के निर्देशक अमित विक्रम ने शुक्रवार को ही एक छोटी सरियागंज स्थित कमलू बाबू के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। इसको लेकर फिल्म के निर्देशक अमित विक्रम ने कहा है कि फिल्म के माध्यम से बिहार में 1990 से 2005 तक हुए राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाया जाएगा। विधानसभा में उठी विधायक फंड बढ़ाने की बात। आमतौर पर शनिवार को स्थगित रहने वाली विधानसभा बीते दिन भी जारी रही। इसी दौरान बीते दिन बिहार विधानसभा में एक बार फिर से विधायक फंड बढ़ाने की मांग उठाई गई। इसको लेकर राजद विधायक रामबली यादव ने यह सवाल उठाया था। इस दौरान राजद विधायक ने पूछा कि क्या सरकार विधायकों की तरफ से अनुसंचित राशि बढ़ाने पर विचार विमर्श कर रही है या नहीं, क्योंकि अभी विधायक 3 करोड़ की राशि से विकास योजनाओं की अनुसंचना कर सकते हैं, लेकिन अफसोस ये राशि बेहद ही कम है। अगर हम सभी गांव पर राशि खर्च करेंगे तो ये राशि प्रति गांव 20,000 रुपए पड़ेगी, जिसके बाद ही उन्होंने सरकार विधायक निधि बढ़ाने पर विचार करने की अपील की है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी निधि बढ़ाने की मांग की। पीएमसीएच की कुव्यवस्था पर उठा सवाल। जहां एक तरफ बीते दिन बिहार विधानसभा में विधायक फंड बढ़ाने की मांग उठाई गई, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन पीएमसीएच की कुव्यवस्था पर भी सवाल उठाया गया, जिसको लेकर राजद विधायक शशि सिंह ने पूछा कि पीएमसीएच में शनिवार और रविवार को सीनियर डॉक्टर राउंड लगाने नहीं आते हैं, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में बने वार्ड में भी 55 मरीजों के लिए एक ही ड्रेसर की व्यवस्था है, इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में व्यवस्था में सुधार को लेकर कोशिश की जाएगी। अब बिहार के सभी पंचायतों में बटेगा हरा और नीला डस्टबिन। बिहार को कचरा मुक्त राज्य बनाने में बिहार सरकार जुट गई है। यही कारण भी है कि बिहार सरकार घर घर से कचरा उठाने का काम कर रही है। इसी बीच अब बिहार सरकार पंचायतों में हरा और नीला डस्टबिन बांटने की तैयारी में है, जिसके तहत ही सभी प्रखंड को स्वच्छ और सुंदर बनाने के ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाए जाने की
बात कही गई है। इसके प्रथम फेज में प्रखंड के 3 पंचायतों का चयन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अब गांव में सफाई अभियान पर फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सूखा और गीला कचरा को अलग अलग रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। योजना के अनुसार प्रत्येक घर को निःशुल्क 2 डस्टबिन दिए जाएंगे, जिसमें लोग अपने घर का कचरा इसमें जमा करेंगे। सीएम नीतीश पहुंचे पुनपुन और धनरुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से लगातार संवाद यात्रा में जुटे हुए। इसी कड़ी में बीते दिन सीएम नीतीश पुनपुन और धनरुआ के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर ही सीएम नीतीश सुबह 11 बजे यात्रा के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद ही वो पुनपुन होते हुए धनरुआ के बाद फतुहा की तरफ रवाना हुए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस यात्रा के दौरान वर्तमान माहौल और जमीनी हकीकत की पड़ताल की है। ज्ञात हो ये सीएम नीतीश की निजी यात्रा है। वहीं सीएम नीतीश के आगमन को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही पुनपुन और धनरुआ में सीएम नीतीश का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत के इतिहास में आज ही तारीख कई कारणों से दर्ज। सन 1961 में आज ही के दिन पहला विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यासीन मलिक ने 2006 में कश्मीर में जनमत संग्रह कराए जाने की मांग की। अंतरिक्षयान एंडेवर 2008 में पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा। एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान लीला दुबे का जन्म 1923 में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ बनवारी लाल जोशी का जन्म 1936 में हुआ। भारत में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान की 1898 में पुण्यतिथि थी। भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री प्रिया राजवंश का 2000 में निधन हुआ था। आज एक दूसरे से भिड़ेगी दिल्ली, मुंबई और पीबीकेएस और आरसीबी की टीम। आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज हो गया है, जिसकी शुरुआत चेन्नई और कोलकाता के बीच हुए मुकाबले से हुई। वहीं आज 2 सेशन में मैच होने वाली है, जिसके तहत पहले दिल्ली और मुंबई के बीच मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला पीबीकेएस और आरसीबी के बीच शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाला है, जहां पर ये सभी टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। इस बार आईपीएल का सीजन कई मायनों में खास होने वाला है, जिसके तहत इस बार 10 टीम मैदान में उतरने वाली है। ट्रू कॉलर ने जोड़े नए फीचर्स। ट्रू कॉलर आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन में से एक है। यही कारण भी है कि ट्रू कॉलर समय समय पर अपने फीचर्स को अपडेट करता रहता है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से ट्रू कॉलर ने नए अपडेट पेश किए हैं, जिसमें अर्जेंट मैसेजेस, शेयरिंग स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट SMS, चैट में भेजे गए संदेशों को एडिट करने और डिफॉल्ट दृश्य सेट करने जैसे फीचर जोड़े गए हैं। कंपनी के अनुसार ऐप के नए फीचर के माध्यम से यूजर का काफी समय बचेगा। ये सुविधाएं संचार को सुरक्षित और अधिक कुशल बनाने के लिए हमारे मिशन के करीब ले जाती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है शाहीन अहमद, गौतम कुमार, अर्जुन कुमार, राजीव कुमार, रोहित कुशवाहा, गौतम सिंह, शंकर मुखिया, श्वेता रॉय प्रदीप, रमाकांत कुमार, दिव्यांशु कुमारी, गोनार शर्मा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।